पढ़ाई आपने पूरी कर ली? हाँ, BCA किया अभी एक्चुअली। आपके जिंदगी का सबसे एम्बेरेसिंग मोमेंट कौन सा है? ब्रेकअप। ऐसा क्या एम्बेरेसिंग क्या था ब्रेकअप? ब्रेकअप तो अच्छा है ना, छुटकारा है। नहीं, मुझसे पूछो। तो अगर आज की आप एक न्यूज़ हेडलाइन होते तो आज की आपकी हेडलाइन क्या होती? मैंने प्यार किया। तो आप टी पर्सन है कि कॉफी पर्सन है? ऐसे कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन। चाय चाय चाय। तो जिंदा रहने के लिए आपको चाय चाहिए? हाँ। और कितना कप चाहिए? अगर आपको आपका ब्रेन कब प्रोसेस करता है, मतलब ऐसे कि कभी ऐसा हुआ कि चाय नहीं पी, सर दर्द हुआ, आज काम में मन नहीं लग रहा है? कैसे माने में क्या दर्द है? चाय पीते। दुख है? चाय पीते। दिमाग काम नहीं कर रहा है? चाय पीते। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, कृपया ये वीडियो अपने दिल या अपने फेफड़ों पे ना ले। एंड एंजॉय द हाउस शो बाय कोऑपरेटिंग चर्चा। ठंडी में मस्त मस्त चाय पी रहा हमारे हिडन गेस्ट, अभी तो हिडन ही है, और बढ़िया तरीके से बैठे हंस रहे। क्या हंस रहे हो? कैसे? हेलो, वेलकम टू बूट कैंप प्रेजेंट्स हाउस शो बाय कोऑपरेटिंग चर्चा। आज के हमारे गेस्ट है वो जो ये वीडियो मेकिंग में तो है एक्सपर्ट, साथ साथ में एंकर है, और क्या हुआ बताइए? डिजिटल मार्केटर हूँ। एंड बेसिकली जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम 2015। अच्छा, वो आगे क्वेश्चन पूछना था, पहले आंसर दे दिया। चाय पीजिए, चाय अच्छी है। अच्छी है, एक्चुअली अच्छी। तो आप कैसे सोचा था कि आप एक एंकर बनेंगे बड़ा होकर? आपसे घर से प्रेशर नहीं आया कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो? आपने बोला नहीं एंकर बनना हूं? नहीं, जब मैं 10th में था तो बेसिकली हुआ क्या था कि स्कूल में एलोकेशन कंपटीशन था। तो बेसिकली टॉपिक दिए जाते थे और उसके ऊपर आपको एलोकेशन करना होता था, मतलब आपको एक टॉपिक दिया जाता था। तो एलोकेशन कॉम्पिटिशन में आई रैंक सेकेंड उस टाइम पे। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो तभी एक चीज़ हुआ कि यार पब्लिक स्पीकिंग में कुछ बात है, क्योंकि लोग आप जब बात करते तालियां बजाते हैं, पीपल इंटरेक्ट विथ यू, मतलब यू आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, ये मालूम पड़ा। उसके बाद में एक एरिया में एक ऐसा एक छोटा सा फंक्शन था, तब फर्स्ट टाइम इन लाइफ में एंकरिंग करी थी। उसके बाद वो जर्नी शुरू हुई एंड तभी इट वॉज लाइक फर्स्ट शो एज 500 रुपीज उस टाइम पे मुझे मिले थे, विच वॉज बिग एट दैट टाइम। कौन सा साल था वो? 2015। अच्छा, अभी 8 साल पहले। हाँ, 8 साल पहले की बात। एंड नाउ इट इज़ लाइक 8,000 रुपीज पर शो, सो इट इज़ अ बिग जर्नी। 22-23 साल के हो? नो नो नो, नाउ आई एम रनिंग 26, हैज बीन कंप्लीटेड दिस जून में। हाँ। तो आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हो? डिजिटल मार्केटिंग जब लॉकडाउन हुआ सो तब एक बात मालूम पड़ी कि आपके पास जो टैलेंट है, व्हेन यू आर इन समवेयर एट जॉब और समथिंग, तब एक टाइम के सब लोग हाथ ऊपर कर लेंगे। एंड डिजिटल मार्केटिंग तभी नया नया फेस चालू हुआ था, द थिंग वॉज कॉल्ड एज एफिलिएट मार्केटिंग उस टाइम पे चल रहा था ट्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा। यूट्यूब पे सारे वीडियोज़ रहते हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो तब मैंने एक वीडियोज़ देखी थी 2-3, तो लगा कि ये करके ट्राई करेंगे। सो एफिलिएट मार्केटिंग करते करते हुआ कि अगर ये सब UK US में हो रहा है, सो आई नेट टू ट्राई दिस इन इंडिया। तो इंडिया में मैंने पहले जॉब करा, इधर मीरा रोड में था मैं, आई वॉज वर्किंग फॉर एन प्रॉपर्टी एजेंट। उधर मैं डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक पे सीखा, इंस्टाग्राम पे सीखा, सारी चीज़ें टिप्स वगैरह खुद की डायरी बने ना स्टार्टेड द थिंग। उसके बाद में आई गेस 6 मंथ्स बिफोर आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी अगेन। चलो स्टार्ट। और अब एक क्लाइंट से कितना चार्ज करते हो? डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट। अगर वो एक स्मॉल स्केल है, इफ़ यू आर ही इज़ हसलिंग और समथिंग, या फिर अगर कोई फ्रीलांसर है जिसको कुछ करना है तो उसके लिए चार्जेस अलग होते हैं। एंड इफ़ इट्स एन B2C या B2B है तो उसके हिसाब से चार्जेस अलग होते हैं उनके। डिपेंड करता है कि हम लोग कितना काम उनको करके दे रहे हैं, उनका टर्नओवर क्या ला रहे हैं, उसके बाद परसेंटेज डिसाइड होता है। अच्छा, तो आपको क्या मॉर्निंग शिफ्ट पसंद है कि नाइट शिफ्ट ज़्यादा पसंद है आपके एंकरिंग के जॉब में? नहीं, बेसिकली जो शोज होते हैं मैक्सिमम एक पकड़ के चलते 90% जो होते हैं वो इवनिंग के होते हैं और 10% मॉर्निंग होते हैं। बट आई लव वर्किंग एट नाइट, क्योंकि आफ्टर 6 वाला वो माहौल हो जाता है जो पार्टी जोन का होता है या फिर जो कोई भी सेलिब्रेशन का होता है, वो आफ्टर 6 तो दिमाग ज़्यादा काम करता है आपका भी एक्चुअली ज़्यादा नहीं एक्चुअली होता है ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद में बोलते ना जैसे जैसे नाइट होती है ना, तो हर एक इंसान का एक अलग टाइम होता है कि उसका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। सो मेरे हिसाब से मेरा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव नाइट को ही होता है, मतलब एट आफ्टर 6-7। तो आप एंकरिंग करते समय सब याद करते कि टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ते आप? नहीं, व्हेन इट कम्स टू लाइव शो तो उसमें तुम्हारे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है। कभी ऐसा हुआ है कि टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया हो, फिर आपने क्या किया हो? कैसा होता है मैंने, व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्टिंग, अगर आपने स्क्रिप्ट किया है सो मैक्सिमम चांसेस ऐसा होता है कि इट कैन बी फेल, या फिर वर्ड ऊपर चले गए और तुम पीछे रह गए। तो उस केस में
बिना बताए यू हैव टू टेक दी पोजिशन एंड यू हैव टू गो विद दी फ्लो कि तभी तुमको क्या लग रहा है, क्या बोल सकते हो, तभी तुम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये जब ऑनलाइन सेशंस वगैरह तभी होता है, बट व्हेन इट कम्स टू लाइव सेशंस तो तुम बोल के निकल जाते हो एंड यू हैव द ऑप्शन टू प्ले। आपको पता है कि आपने गलती की है, सामने वाले को नहीं पता है। सो जब तुम उसको फील करोगे गलती हुआ है, जब तुम फंसोगे तब वो मालूम पड़ता है, टिल द टाइम वो नहीं पता चलता है। सो दिस इज द थिंग। तो आप टी पर्सन है कि कॉफी पर्सन है? ऐसे कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन। चाय चाय चाय। तो जिंदा रहने के लिए आपको चाय चाहिए? हाँ। और कितना कप चाहिए? अगर आपको आपका ब्रेन कब प्रोसेस करता है, मतलब ऐसे कि कभी ऐसा हुआ कि चाय नहीं पी, सर दर्द हुआ, आज काम में मन नहीं लग रहा है? कैसे मालूम है क्या दर्द है? चाय पीते दुख है चाय पीते, दिमाग काम नहीं कर रहा है चाय पीते। एंड वी आर द क्रेजीस्ट पर्सन जिसको अगर आप बोलोगे कि अक्षय चाय पीने जाना है, सो आई गेट इट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। इधर से आई डिसाइडेड बोरीवली चाय पीने के लिए वी समटाइम ट्रेवल्स टू दादर। हाँ भाई ऐसे ही घूमने के लिए। दादर कौन सी जगह? दादर में आई गेस वी लव टू थ्री प्लेसेस। कल भी हम लोग रात को चाय पीने के लिए गए थे। येस्टरडे आई वेंट टू दैट चाय सोटावर एट कांदिवली। और दादर में देर इज अ प्लेस नियर वो जो गार्डन है दादर, शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्क के इधर जो कैंटीन है इस साइड में, राइट साइड में, कौन सा MBA चाय वाला? MBA चाय वाला कम्स टू राइट साइड, लेफ्ट साइड में आते ना वो एक लोकल चाय वाला है, बट डेयर वी गो। और होता है कि ट्रैवल करना है फिर चाय पीना है, सो उसमें अलग सुकून होता है। हाँ वो चुस्की सुकून की सुकून वाली। हाँ ऐसा कुछ तो बोलते हैं लोग। तो आप आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स की कितनी अहमियत है अभी, मतलब जो एंकर नहीं भी है, मतलब एक नॉर्मल आदमी के लिए भी, आपके लिए तो ज़रूरी है ये और सबके लिए भी है ज़रूरी? कम्युनिकेशन स्किल इज़ द की टू सक्सेस व्हाट आई फील। क्यों मालूम? बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी के इंटरेक्ट कर रहे हो, वैन यू गो टू द फेसेस ऑफ द लाइफ, आपको हर एक टाइम किसी ना किसी को मिलना पड़ता है। और पीपल आपको देख के नहीं पता चलते, पोस्टर पे हर एक चीज़ें डिफाइन नहीं होती। जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक सामने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क और कैसे चीज़ें काम कर सकती है। एंड आफ्टर दैट एक बार कम्युनिकेशन स्किल आ गए सो यू कैन क्रैक द गेम। आप कोई भी गेम में, कोई भी फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, डेवलप करें या क्या करें? अभी मैं खुद प्रेफर करता हूँ बुक रीडिंग। बहुत सारी बुक्स है जहाँ से हम लोग, पर बुक पढ़ने से कैसे आ सकता है? देयर आर सर्टेन टिप्स राइट। हाँ अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मुझे आपको कुछ फील कराना है, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड डू बिफोर गोइंग। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक काम करो, आपको हाथी के बारे में नहीं सोचना है, सो 101% आप हाथी के बारे में उस टाइम सोचोगे, बिकॉज हमारा जो ब्रेन काम करता है वो पिक्चर के हिसाब से करता है राइट। सो इट इज़ अ की टू सक्सेस। अगर आपको मालूम पड़ गया कि हाउ टू क्रैक द गेम, अगर आप कोई भी फील्ड में हो, और इट कम अगेन कमिंग टू दैट बुक वाला टॉपिक कि बुक से ही क्यों, देखो देर अलग अलग जरिए है जाने के बाद। अगर आपको कम्युनिकेशन इंक्रीज करना है सो डिपेंड करते हैं, कोई कोई वीडियो सोर्सेज है जहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर आप ऐसे बैठे हो, अगर यू आर डूइंग कम्युनिकेटिंग, सो इट्स अ गेम। अगर मैं ऐसे से बात नहीं कर सकता ना, ऐसे ऐसे करके बात नहीं कर सकता, सो आपकी पोजीशन, हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू बिहेव, सो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें एक टाइम के बाद में आती है एंड इट कम्स फ्रॉम बुक। मेरे लिए तो वो बुक से आई है, और कोई कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी है नाउ डेज, देर आर मैनी ऑनलाइन कोर्सेज जहाँ पे आप भी कर सकते हो, और इट इज़ अ की टू सक्सेस व्हाट आई थिंक। सो इट्स डैम इम्पोर्टेंट कि लोगों ने काम करना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि इट कैन चेंज योर गेम ऑफ लाइफ। तो पब्लिक स्पीकिंग के बेस्ट बुक रिकमेंडेशन आप कौन से दोगे? हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। हाउ टू विन फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी। हाँ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये मैंने जो पढ़ी थी वो एक है। एंड बिजनेस रिकमेंडेशन बुक विच स्टार्ट विथ वाई। बट अगर ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप पढ़ते रहोगे फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उससे फिर कुछ नहीं होने वाला ना? मतलब अगर से आप पढ़ते रहोगे और उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, सी इट विल नॉट गेट इम्प्रूव्ड राइट। आपका क्वेश्चन सही है। बेसिकली होता क्या है ना, वैन बहुत सारे लोग सक्सेसफुल इसके वजह से नहीं होते, क्योंकि दे डोंट इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स। उनको अप्रोच करना नहीं आता लोगों। हाँ अप्रोच सबको आता है, पर कैसे सामने वाले के सामने ये बात रखे जो उनके माइंड में है, वो सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में है कि पीपल डोंट नो हाउ टू डू दिस थिंग और हाउ टू मेक थिंग्स डन। जिसे मैनेजमेंट स्किल के अंदर भी ये सारी चीज़ें आती है कि सामने वाले को मनाना आपको जो चाहिए, या फिर उसको फील कराना कि आप क्या सोच रहे हो, इट इज़ अ बिग टास्क। इसके वजह से आजकल ज़्यादा रिलेशंस में क्लैशेस होते हैं, या फिर घर में भी क्लैशेस होते हैं इसके वजह से, क्योंकि आपका जो विजन है आप रख नहीं पाते सामने वाले के मन में। फिर वो पेरेंट्स हो गए, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, या फिर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हो गए, सो इसके वजह से क्लैशेस बढ़ते हैं।
एंड दिस इज द पॉइंट मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते हैं, दैट इज द रीजन अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि यार कम्युनिकेशन जरूरी है सो हर एक चीज में, हाँ हर एक चीज में, प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ सब बहुत 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 बहुत। और भाषा है कितनी जरूरी है, जितनी ज्यादा भाषा है उतनी जरूरी है, या हर एक भाषा को मतलब एक भाषा सीखो पर अच्छे से करो, आप क्या बोलना चाहोगे? सी मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी और इंग्लिश की मदर सिस्टर कर देते हैं, अभी कैसा था मालूम है क्या, स्टिक टू वन लैंग्वेज इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल, और उसमें आप बेहतरीन करते जाओ, वैन यू कम टू एन एक्सपर्टीज लेवल इट इज़ अ गुड थिंग, पर जो नहीं आता है अगर आप जानबूझ के किसी को इम्प्रेस करने के लिए उस चक्कर में घुसे तो बाई डिफॉल्ट फेल होने वाले हो, बिकॉज यू आर नॉट गुड एट दैट लेवल जो एक्सट्रीम लेवल पे सब लोग कर रहे हैं। बट सीख सीख के तो ऐसे ही तो आता है, गलतियां कर करके, गलतियां करके आते हैं, पर कब करना है इन्वेंशन, अगर आप कर रहे हो तो इट्स ओके, अगर आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हो वो आपको सुधार सकते हैं, बट डेट वगैरह पे जाओ तो ऐसा, सो हाँ मे बी मतलब डोंट फेक इट, हाँ जो भी है ट्रू रहना इज अ गेम चेंजिंग, आप जो भी हो सच बता दो। सो अगर आज की आप एक न्यूज हेडलाइन होते तो आज की आपकी हेडलाइन क्या होती? मैंने प्यार किया। तो अब मैं पूछना, मेरे को ये सवाल है तो मेरे को दूसरा सवाल था कि अपडेट्स आपकी लाइफ की क्या चल रही है आजकल, ये मैं सबसे पूछता आपसे पूछना ही भूल गया, बोलो क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, इट्स एन ग्रोइंग फेज ऑफ माय लाइफ टू बी वेरी फ्रैंक, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बोलते ना कभी कभी चीज़ें हद से ज़्यादा मिल जाती है, हमने जो सपने में भी अचीव नहीं की होती। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रगल जो हम लोग करते हैं उसमें पेन होता है कि बहुत मजा आता है, मजे से करते हैं स्ट्रगल लोग? स्ट्रगल व्हेन इट कम्स टू स्ट्रगल बेस्ट थिंग इज आज अपने क्यों ही मेहनत कभी ना कभी रंग लाएगी, तो ये सोचते ही सोते हो? हाँ ऑब्वियस, एंड देखो अगर आज मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे तो इसका मतलब आज नहीं है ना कि आगे भी नहीं आएगा, सी हो सकता है कि यार 15 दिन के बाद मतलब इट टेक्स, हाँ हो सकता है 6 साल के बाद भी आए। अब गिविंग एन एग्जांपल फॉर दिस व्हिच इज द बेस्ट, 3 महीने पहले मैंने एक ऐसा वेबसाइट बनाया था गूगल साइट से लेके फ्री में वेबसाइट बनाया था, और मैं 4 महीने पहले उसके ऊपर काम कर रहा था, 3 से 4 महीने पहले मैं उसे काम कर रहा था, रिजल्ट नहीं आए, बट आई कीप ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग, अपडेट करना रेगुलर इंस्टाग्राम पे, मैं कुछ भी अपडेट करना मेरे नीश के बारे में डिजिटल मार्केटिंग के। अब 1.5 महीना हो गया करीबन, आई क्रैक्ड एन क्लाइंट फ्रॉम दैट वेबसाइट एंड ही इज़ पेइंग मोर देन 50K मी टू मी राइट नाउ, बिकॉज वो उस टाइम पे काम किया था, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आया, पर मैंने वो काम करना बंद नहीं किया। सो आपने पहले की हुई चीज़ कभी ना कभी आपको कभी ना कभी आके हेल्प करके, इट्स लाइक द सेइंग ऑफ भगवद गीता और इन एवरीथिंग, वो एक दिन सच होती है, इफ़ योर इंटेंशन इज प्योर टू हेल्प समवन और समथिंग, एंड इफ़ योर विजन इज क्लियर कि आपको क्या करना है, यूनिवर्स विल हेल्प यू डेफिनेटली। आपके जिंदगी का सबसे एम्बेरेसिंग मोमेंट कौन सा है? ब्रेकअप। ऐसा क्या एम्बेरेसिंग क्या था ब्रेकअप में? ब्रेकअप तो अच्छा है ना, छुटकारा है। नहीं मुझसे पूछो, मतलब इफ यू डेट अ गर्ल मोर देन 2-3 मंथ्स You will get to know her very well. Right. Then आपको ब्रेकअप से उतना दुख नहीं होगा, मतलब अगर आप एकदम ऐसे फिल्मों वाला प्यार करते हो उसको तो हो सकता है। See, when you are in a relation for more than 5 years. Oh, more than, I'm sorry. तो ज़्यादा बोल दिया, पता नहीं मेरा नहीं चला। नहीं कैसा होता है ना, when you are into someone and you know all the things about the person, कि how it is going to work and you started dreaming for someone, कि इसके बाद मैं ये करूँगा, इसके बाद मैं ये करूँगा, एंड आफ्टर 10 ईयर्स का आप लोग प्लान करते हो साथ में, एंड सडनली इन अ कॉल एवरीथिंग चेंजेस, कि यार आज से बात नहीं कर रहे हैं, आज से हम लोग फ्रेंड बन के रहेंगे, एंड यू आर इनटू इट कि आप अपने घर पे सब कुछ बता के हो चुके होते हो, मतलब क्या सगाई वगैरह का? नहीं सगाई, नॉट अबाउट सगाई, बट यू नो दैट ही इज गोइंग टू मैरी यू, आपकी फैमिली को कन्विंस कर, मतलब यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अदर पर्सन। हाँ आप यू आर 100% श्योर दैट आई एम गोइंग टू हैव हर इन माय लाइफ, अब आपके साथ में उसकी लाइफ एक्सपेंड करने वाले हो, हाँ सो आप उसको घर पे लाके आपके फैमिली से मिले तो योर फैमिली इज एग्री विद इट एंड सडनली एवरीथिंग चेंजेस, सो इट इज़ एन एम्बेरेसिंग मोमेंट कि यार तुम्हारा सब कुछ एक रात में खत्म हो गया, आइदर इट इज़ फाइनेंशियल गोल और आइदर इट इज़ पर्सनल गोल, आपने जो भी सोचा था। रिकवर कैसे किया फिर उससे? हाँ इट इज़ दी अपने काम से, हाँ सारी एनर्जी अपने काम में डाल के, ऐसा नहीं, इट इज़ अ स्टेज ऑफ डिप्रेशन आप बोल सकते हो, 6 महीने के लिए यू आर इन अ डार्क रूम, तभी एक्चुअली आपको पता चलता है कि आपके अपने कौन है और आपके अपनों में आपके पराए कौन है, ये जब ये स्टेज चालू होता है ना, इट इज़ अ फनीस्ट पार्ट कि लोग आपको आके सजेशन देते हैं उनके हिसाब से, जो अपने तो देखो स्कूल कॉलेज वाले दोस्ती होते हैं, उसके बाद तो अपना शायद इट इज़ ऑल्सो टिल अ टाइम, मतलब एक फेज होता है वैन स्कूल कॉलेज वाले दोस्त हमेशा साथ में रहते हैं, सो इट इज़ गुड अगर आपके हैं।
तो आपके आगे का क्या विजन है, अब क्या करना है 5-10 सालों में? पहले 5 साल में पॉडकास्ट इज द थिंग। पॉडकास्ट इसलिए अच्छा लगता है कि क्या है, लव टू मीट पीपल, मतलब जो भी है, इट कैन बी जेन जी, इट कैन बी, मैं हर एक जन से मिलता हूँ। आज भी इन अ मंथ आई मीट कम से कम 30-40 न्यू पीपल्स, सो फ्रेंडलीज बढ़ती जाती है, बट इट्स ऑल अबाउट यू कैन लर्न द थिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी वन, दैट इज द विजन, कि हर एक लोगों से सीखो एंड अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और हमारा तो पॉडकास्ट ऐसा है कि लोगों को एंटरटेन करना है, बिकॉज ज्ञान तो हर जगह मिल जाएगा, हमारा ज्ञान मिल जाता है कभी कभी, बट एंटरटेनमेंट पे ज्यादा फोकस है। सी इट्स ऑल, अगर अगली बार आप मिलोगे तो आपके साथ अभी कंफर्टेबल हो गए तो अगली बार अपन कुछ अलग करेंगे, एंटरटेनमेंट और ज्यादा। ओवियो नहीं, कैसा होता है ना, इट्स ऑल अबाउट व्हाट पीपल वांट्स एंड द थिंग इज हाउ यू आर कंफर्टेबल विद। थैंक यू सो मच फॉर फीचरिंग, थैंक यू सो मच योर हाउस शो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अगर आपको अपने चैनल पर डालना आप भी डाल सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलता हूं अब बहुत जल्दी अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ। टाटा, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, सायोनारा।